प्यारो यमुना जी रो पानी लागे मीठ रस से मरियोड़ी राधा रानी लागे महारानी लागे मन गारो गारो यमुना जी रो पानी लागे हरि बोले वृंदावन बिहारी लाल की राशेश्वरी राधिका रानी की भागवत भगवान की वृंदावन बिहारी लाल की राजा परीक्षित पूछते हैं सुखदेव जी महाराज से बाण स्यातनया मूषा मुप परीक्षित ने कहा कि हे महाराज सुखदेव जी मैंने सुना है कि बाण की कन्या उषा के साथ भगवान के पौत्र अनिरुद्ध ने विवाह किया था और इस विवाह में भगवान नारायणी सेना और माहेश्वर सेना के बीच में बड़ा घोर युद्ध हुआ था। शंकर और श्री कृष्ण का ये महान घोर युद्ध कैसे हुआ ये बताइए। तो भगवान सुखदेव जी महाराज कहने लगे कि हे राजा परीक्षित बाणासुर भगवान का बड़ा शिव का बड़ा भक्त था। जब भगवान भोलेनाथ ने तांडव नृत्य किया था तब बाणासुर ने अपने हजार हाथों के द्वारा डमरू बजाया था और भगवान विश्वनाथ को बड़ा प्रसन्न कर दिया था। बाणासुर ने कहा कि भगवान जब भगवान ने कहा कि कोई भी वर मांग लो तो बाणासुर ने कहा प्रभु मुझे एक ही वर चाहिए कि आप मेरी नगरी के रक्षक बन जाओ, मेरी नगरी के रक्षा का भार आप संभालो। भोलेनाथ तभी से उसकी नगरी के रक्षक बन गए, लेकिन उसका बल इतना बढ़ गया क्योंकि जिसके ऊपर भोलेनाथ का हाथ हो जाए उससे कौन हार सकता है, कौन जीत सकता है। तो बाणासुर को कोई लड़ने वाला न मिला तो एक दिन भोलेनाथ से ही कहने लगा, भोलेनाथ मेरे हाथों में खुजली चल रही है, हजार हाथ हैं, आओ मुझसे युद्ध करो। भोलेनाथ ने कहा मैंने तुझे आशीर्वाद दिया है, मैंने ही तुझे शक्ति दी है और तू मुझसे ही लड़ने चला। बाणासुर ने कहा कि मुझे तो लड़ना है, मेरे तो हाथों में खुजली चल रही है और हजार हाथ हैं। तो भोलेनाथ ने कहा कि जिस दिन तेरे महलों की पताका गिर जाएगी उस दिन समझना कि तुझसे लड़ने वाला आ रहा है। इस प्रकार भोलेनाथ ने कह दिया था। बाणासुर की पुत्री थी उषा और ये बाणासुर का राज्य कहां था, उत्तराखंड में, जहां केदारनाथ जी की शरदकालीन पूजा होती है। ऊखी मठ नाम का एक स्थान है उत्तराखंड में। केदारनाथ जी की सर्दी के समय में जब केदारनाथ जी के पट बंद हो जाते हैं तो ऊखी मठ में ही ओमकारेश्वर मंदिर है, वहीं केदारनाथ जी की पूजा होती है। वो ऊखी मठ ही वास्तव में बाणासुर की राजधानी था और चूंकि भगवान शंकर इस नगर के रक्षक थे इस ही स्मृति में भगवान का अभी भी वहाँ भव्य मंदिर है और वहाँ उषा और अनिरुद्ध के विवाह का स्थल भी
स्मृति सजोए हुए हैं वहां। उषा जो बाणासुर की पत्नी थी, एक दिन रात्रि में स्वप्न देखती है। स्वप्न में देखती है कि वो एक राजकुमार उसके साथ रमण करता है और अतृप्त अवस्था में ही उसकी नींद खुल जाती है। जैसे ही नींद खुलती है वो नींद में ही बड़बड़ा उठती है, हे प्रभु हे प्रभु कहाँ गए, हे कांत। तो उसकी सखी थी, उसकी सखी थी चित्रलेखा, वो योगिनी थी। उसने कहा अरे सखी क्या बात हुई? तो उषा ने कहा कि मुझे स्वप्न में ऐसा दर्शन हुआ कि मुझे अपने कांत के दर्शन हुए, मेरे पति के दर्शन हुए, लेकिन अतृप्त अवस्था में ही वो छोड़ के चला गया। तो चित्रलेखा एक योगिनी थी, उसने तत्कालीन सभी राजाओं के चित्र बना बना करके और उषा को दिखाए। सारे राजाओं के चित्र, राजकुमारों के चित्र बना बना करके दिखाए और जैसे ही वो यदुवंशियों की चित्र बनाने लगी उषा शर्माने लगी, और जैसे ही अनिरुद्ध का चित्र बनाया उषा ने कह दिया हाँ सखी यही है मेरा चित्र चोर। चित्रलेखा आकाश मार्ग से गई और द्वारका से पलंग सहित ही अनिरुद्ध को उठा करके और उषा के कक्ष में ले आई और उषा के कक्ष में ला करके और उषा से कहती हैं ले तेरे प्रियतम को। उषा और अनिरुद्ध अनेक समय तक, बहुत लंबे समय तक वहां विहार करते हैं। तो बाणासुर के सैनिक बाणासुर से कहते हैं कि आपकी लड़की का चाल चलन कुछ ठीक नहीं है, हम रात दिन चौकीदारी करते हैं आपकी लड़की के दरवाजे की, लेकिन हमने तो कोई जाते हुए तो नहीं देखा, लेकिन आपकी लड़की के कमरे से किसी पर पुरुष की आवाजें आती है। बाणासुर ने कमरा खोला तो उसमें उषा और अनिरुद्ध को पाया और जब अनिरुद्ध को पकड़ने लगे, कैद करने लगे, तो अनिरुद्ध जी ने भी आक्रमण किया, लेकिन बाणासुर ने उन्हें कैद कर लिया और लंबे समय तक कैद रहे। तब नारद जी ने एक बार भगवान कृष्ण को बताया कि भगवान आइए, नारद जी पधारिए। अरे भगवान मैं एक सूचना लेकर के आया हूँ। बोले क्या सूचना? बोले आपका पोता कहाँ है? बोले कौन सा पोता, किस नंबर का पोता? 16108 है साहब, और प्रत्येक के 10-10 हैं। अब उनमें से कौन सा पोता? उनको पता ही नहीं था भाई, बहुत सारे पोते हैं उनके तो। बोले आपका पोता कहाँ है? बोले कौन सा पोता? बोले प्रद्युम्न का लड़का अनिरुद्ध। भाई हाँ, काफी समय से वो नजर नहीं आ रहा, इधर उधर ही घुस रहा होगा, बहुत सारी संतान है उनमें ढूंढ रहा होगा कहीं ना कहीं। कि नहीं साहब, वो बाणासुर की कैद में है, बाणासुर की कैद में है। जब भगवान को ये पता लगा तो अपनी तेवी सक्षोहिणी सेना लेकर के भगवान बाणासुर के नगर को घेर लेते हैं और तरह तरह की लड़ाइयां होती है उधर से बाणासुर की तरफ से। चूंकि बाणासुर की नगरी के रक्षक भोलेनाथ थे और भोलेनाथ की सेना और श्री कृष्ण की सेना में युद्ध होता है, बहुत विकट युद्ध होता है। नर सेना और नारायण सेना में, शिव सेना और नारायण की सेना में बड़ा युद्ध होता है। जब भगवान भोलेनाथ माहेश्वर जर का संधान करते हैं तो नारायण सेना कहती है ओम नमः शिवाय, और जब नारायण सेना वैष्णव ज्वर का संधान करती है तो वो कहती है ओम नमो नारायण, और इस प्रकार सारे ज्वरों को काट दिया जाता है। बाणासुर भगवान के सामने आता है, हजारों हाथों से हजार धनुष बाण चढ़ा करके मारता है, भगवान काट देते हैं, भगवान उसके सभी हाथों को काट देते हैं और उसे मारने ही वाले होते हैं कि बाणासुर की माता कोटरा,
बाणासुर की माता कोटरा नंगी होकर के बीच में आ जाती है। नग्न स्त्री को देखना अब शकुन होता है। भगवान ने अपना हाथ आंखों के सामने किया, जैसे ही आंखों के सामने किया बाणासुर महलों के अंदर, बाणासुर महलों के अंदर चला गया। फिर से युद्ध हुआ और भगवान ने बाणासुर की केवल दो भुजाएं रख दी, हजार भुजाएं थी इसकी, लेकिन दो भुजाएं रख दी। इतने में भोलेनाथ आ गए, प्रभु ये मेरा भक्त है, मेरा अभय पात्र है, इसे पर्याप्त दंड आपने दे दिया है, अब कृपा करें। तो भगवान श्री कृष्ण भी कहते हैं कि अरे भोलेनाथ, ये आपका ही कृपा पात्र नहीं है, मेरे भक्त प्रहलाद का भी वंशज है, बलि का भी वंशज है, इसलिए मैं भी इसे मारूंगा नहीं, इसे केवल दंड देना था, वो दंड मैंने दिया। इस प्रकार युद्ध से विरत हुए और बाणासुर को पता लगा कि अनिरुद्ध कौन है, और फिर आनंद से उन्होंने अपनी पुत्री अपनी कन्या उषा का विवाह अनिरुद्ध के साथ किया और पौत्र वधु और पौत्र के साथ में भगवान द्वारका नगरी आते हैं। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। सुखदेव जी महाराज कहते हैं, एक दो पवन राजन जगपुर यदो कुमार का विहर तुम सांब प्रद्युम्न चारु बार भगवान श्री कृष्ण के सांब आदि पुत्र पौत्र नगर के बाहर खेल रहे थे कि एक सूखे कुएं में बहुत बड़ा छिपकली नृग उन्हें नजर आया। उन्होंने बहुत प्रयास किया बाहर निकालने का, लेकिन वो निकला नहीं। तब भगवान को बुलाया गया और जैसे ही भगवान को बुलाया भगवान ने उनको स्पर्श किया, जैसे ही स्पर्श किया वो बन गया गंधर्व और उसने कहा प्रभु आपकी जय हो, बड़ी कृपा की आपने। भगवान श्री कृष्ण ने कहा आप कौन हैं? तो वो कहता है कि प्रभु मैं पहले चक्रवर्ती सम्राट था, राजा था, ब्राह्मणों की गौ की मैंने बड़ी सेवा की थी, लेकिन ज्ञान के अनुलोम विलोम होने के कारण मेरी ये गति हुई। वो कहते हैं कि मैं ऐसा राजा था कि नित्य ही गायों का दान किया करता था, गौशाला से नित्य ही 100 गायों का दान करता था, और इस प्रकार एक बार क्या हुआ कि एक ब्राह्मण को दी हुई गाय वहां से छूट करके और पुनः मेरी गौशाला में आ गई। गाय जो होती है वो अपना खूंटा पहचानती है, जहां वो रोजाना बंधती है वहीं आकर के रोजाना खड़ी होती है। वो गाय किसी तरह निकल करके और राजा की गौशाला में पुनः आ गई, और दूसरे दिन वही गाय किसी दूसरे ब्राह्मण को दान दे दी गई। जब वो ब्राह्मण लेकर के जा रहा था तो जिसने एक दिन पहले वो गाय ली थी वो मिल गया, बोले ये गाय तो मेरी है, तू कहाँ ले जा रहा है? तो वो ब्राह्मण कहता है ये गाय अभी अभी राजा ने मुझे दी है। वो कहता है तुझे अभी अभी दी है, मुझे तो कल ही दे दी थी। जब राजा ने राजा के पास गए कि प्रभु आपने कल ये गाय मुझे दान दी, राजा ने कहा हाँ। इतने में दूसरा ब्राह्मण बोला प्रभु आपने ये गाय आज मुझे दान दी, बोले हाँ। एक कटघरे में एक ब्राह्मण खड़ा हो गया, दूसरे कटघरे में दूसरा ब्राह्मण खड़ा हो गया, और वो दोनों कह रहे थे कि राजा ये गाय मेरी हुई, बोले हाँ। इधर का ब्राह्मण कहता ये गाय मेरी हुई, बोले हाँ। इधर भी हाँ, इधर भी हाँ। अब वो दोनों की हुई तो फिर गाय का क्या किया जाए? तो राजा ने कहा ब्राह्मण देवता अब ये गलती तो हो गई, आप ऐसा करो
जो भी आप राजी हो दोनों में से इस गाय के बराबर सोना तोल करके ले जाओ। लेकिन अब ये गाय तो दे चुका है, अब इसका कुछ नहीं होना है। उन्होंने कहा, राजा ये गाय माता होती है और माता को हम बेच नहीं सकते, इसलिए माता को बेचा नहीं जाता है, इसलिए मुझे तो गाय चाहिए। जब राजा इधर भी गर्दन हिला रहा था, इधर भी गर्दन हिला रहा था, तो उन ब्राह्मणों ने शाप दे दिया कि तुम नृग की तरह, गिरगिट की तरह गर्दन हिला रहे हो, जाओ तुम गिरगिट बन जाओ। और वो गिरगिट बन गए। भगवान श्री कृष्ण के चरण स्पर्श से वो मुक्त हुए। बोलिए कृष्ण चंद्र भगवान की। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। नारायण वासुदेव। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की, राशेश्वरी राधिका रानी की, हरि बोल। पिता हमारे तुम ही हो, माता पिता हमारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव। तुम ही हो माता पिता हमारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। तुम्हीं हो माता पिता तुम्हारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। हरि बोल। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। राधे 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 राधे, जय हो राधे। प्रेम से कहिए श्री राधे। राधे 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 राधे।
कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव दरबार की जय हो। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। सुखदेव जी महाराज कहने लगे अथो सस्युप्रत व्रतायां कुक्कुटान पूजतो शपन ग्रहीत कंट्या पति भी माधव जो विरहातुरा। एक बार आवाज अधिक न करें क्योंकि ये हॉल है गूंजता है। एक बार भगवान अपनी सुधर्मा नाम की सभा में बैठे हुए थे और भगवान राज सिंहासन पर भगवान के आसीन होते ही एक ऐसा आदमी भगवान की सभा में आया जिसे पहले कभी देखा नहीं गया था। भगवान की सभा में आते ही द्वारपालों द्वारा सूचना देने पर भगवान ने उसे भगवान के समक्ष भेजा। भगवान का आदेश पाते ही उस पुरुष ने आकर के कहा कि हे प्रभु, मैं जरासंध के द्वारा जो राजा लोग कैद किए हुए हैं, 20,000 राजाओं को कैद कर रखा है उसने, मैं उनका दूत हूं। अब ये जरासंध की कैद में ये वास्तव में रूपक कथा है। जरासंध यानी आयु का बंधन, यानी उम्र का बंधन, ये जरासंध, ये शरीर जरासंध है। ये शरीर आयु के बंधन में बंधा हुआ है और इस आयु के बंधन से, जरा के बंधन से केवल परमेश्वर ही काट सकता है। इस बंधन को केवल श्री कृष्ण ही काट सकते हैं। तो 20,000 राजाओं का मैं दूत हूं और मैं उनकी तरफ से यहां आया हूं। उन सबकी ये प्रार्थना है प्रभु कि आप उनके बंधन को मुक्त करें। हे भगवान, मेरे स्वामियों 20,000 राजाओं ने बड़ा अनुयायी विनय किया है आपसे कि आप उनके बंधन को काटें। इस प्रकार से वो कह ही रहे थे कि वहीं उसी सभा में नारद जी महाराज आ गए और भगवान द्वारा आदर सत्कार पाने के बाद में नारद जी ने कहा कि हे प्रभु, सर्वोत्कृष्ट पद की प्राप्ति के लिए महाराज युधिष्ठिर राजसूय यज्ञ करना चाह रहे हैं, इसमें आपका अग्र पूजन करना चाहते हैं, प्रथम पूजन करना चाहते हैं, अतः आप उसका अनुमोदन कीजिए। आपको राजा युधिष्ठिर निमंत्रण दे रहे हैं, आपको वहां चलना चाहिए। आपकी अग्र पूजा के लिए सभी देवता वहां उपस्थित होंगे। जरासंध को अब इस प्रकार से सारे सभासदों ने कहा कि न्याय की बात तो यह है कि पहले ये राजाओं का दूत आया है जिसने जरासंध की कैद में कैदी राजाओं को छुड़वाने की बात कही है। नारद जी बाद में आए हैं तो अधिकार इसका बनता है कि पहले इसकी बात सुनी जाए। और नारद जी कह रहे थे कि आपको राजसूय यज्ञ में जाना चाहिए, तो फिर क्या किया जाए। भगवान ने निर्णय उद्धव जी पे छोड़ा। उद्धव जी से कहा कि उद्धव, आप बताओ क्या करें। तब उद्धव जी ने कहा कि प्रभु, बात ऐसी है कि युधिष्ठिर राजसूय यज्ञ करना चाहते हैं
और राजसूय यज्ञ से पहले दिग्विजय करना बहुत आवश्यक है। दिग्विजय नहीं होगा तो राजसूय यज्ञ कैसे होगा, और यदि दिग्विजय करेंगे तो दिग्विजय में जरासंध का मगध राज्य भी आ गया। मगध राज्य को विजय किया बिना राजसूय यज्ञ होगा नहीं, इसलिए आपको राजसूय यज्ञ में जाना चाहिए युधिष्ठिर के में। वहां अग्र पूजा भी आपकी हो जाएगी, पांडव भी प्रसन्न हो जाएंगे, और चूंकि दिग्विजय बिना राजसूय यज्ञ होता नहीं, इसलिए दिग्विजय के बहाने जरासंध की कैद से कैदी राजाओं को भी छुड़वा लिया जाएगा, दोनों काम एक साथ हो जाएंगे। यही बात भगवान को लगी और भगवान उद्धव जी का अनुमोदन करते हैं। बोलिए कृष्णचंद्र भगवान की। सुखदेव जी महाराज ने कहा, कर्ण्य देवर्षे रुद्धवो ब्रवीत सभ्यानां मतमाज्ञाय कृष्णस्य च महामति। इस प्रकार उद्धव की बात का अनुमोदन करने के बाद महाराज युधिष्ठिर के राजसूय यज्ञ में दोनों कार्य सिद्ध होंगे, इसके लिए राजा युधिष्ठिर राजसभा में सहायता पहुंचाते हुए जरासंध को मारने की योजना बना करके चलने लगे, और वहां द्रौपदी के साथ में भगवान की स्त्रियों का खूब श्रृंगार किया। जो भी भगवान के साथ गए थे युधिष्ठिर आदि पांडवों ने बड़ा श्रृंगार किया। इसके बाद राजा युधिष्ठिर ने भगवान के आने रहने का निवास का यथोचित प्रबंध किया ताकि भगवान को कोई कष्ट न हो। आनंद पूर्वक अर्जुन के साथ विहार करते हुए और उन्होंने मैदानव को बचा करके राजा युधिष्ठिर के लिए बड़ा सुंदर राजभवन तैयार करवाया था, और इस प्रकार राजसूय यज्ञ से पहले मैदानव के द्वारा उन्होंने खांडव वन को तृप्त करके अग्नि से, और मैदानव के द्वारा ही बड़ा विचित्र भवन तैयार करवा लिया था। इसके बाद भगवान श्री कृष्ण राजसूय यज्ञ से पहले दिग्विजय के लिए चारों तरफ अपनी सेनाएं भेजी। सभी दिशाएं तो सारी दिशाएं तो विजित कर ली गईं, जीत ली गईं, लेकिन पूर्व दिशा अभी भी ऐसी थी जहां विजय नहीं हो पाई थी, क्योंकि पूर्व दिशा में ही मगध साम्राज्य था, जरासंध का साम्राज्य था। तब अर्जुन, भीम और श्री कृष्ण तीनों मगध में गए। प्रातः काल जरासंध दान देता था तो वो ब्राह्मणों के वेश में गए, ब्राह्मणों के वेश में जाकर के, और वो कहते हैं हमें भिक्षा चाहिए। ब्राह्मण के वेश में तो वो गए, लेकिन उनके कंधों पर तरकश बांधने का निशान था, उनका शरीर भी बड़ा बलिष्ठ था, इसलिए जरासंध ये समझ गया कि ये ब्राह्मण नहीं हो सकते। फिर भी चूंकि ब्राह्मण के वेश में आए हैं इसलिए बोलिए ब्राह्मण देवता क्या चाहिए। बोले हम भिक्षा तो चाहते हैं, लेकिन ये समझ लो कि हम ब्राह्मण नहीं हैं। जरासंध ने कहा मैं जानता हूं तुम ब्राह्मण नहीं हो, फिर भी मांगो तुम। इतने में कृष्ण भगवान बोले कि हम युद्ध भिक्षा चाहते हैं, युद्ध की भिक्षा दो, हमसे युद्ध करो। मैं तो श्री कृष्ण हूं, ये अर्जुन है और ये भीम है। जरासंध कहता है कि हे कृष्ण, तुम तो भगोड़े हो, तुम तो आगे आगे युद्ध से भाग चुके हो, इसलिए भगोड़ों से मैं युद्ध करता नहीं। और अर्जुन का सवाल है तो अर्जुन तो अभी बच्चा है, बच्चों से मैं युद्ध करता नहीं, लेकिन भीम अवश्य भीम इस योग्य है कि ये मुझसे युद्ध कर पाए। और तब युद्ध भीम और जरासंध में तय हुआ, लेकिन जरासंध ने कहा आइए पहले तो भोजन कीजिए,
अब देखिए उस समय का क्या शिष्टाचार है। पहले तो भोजन करते हैं जरासंध के साथ में सब लोग, फिर गांव से बाहर जाते हैं और वहां दिन भर युद्ध करते हैं, फिर शाम को साथ में भोजन करते हैं, फिर सवेरे गांव से बाहर जाते हैं, फिर दिन भर युद्ध करते हैं। 27 दिन तक लगातार इसी तरह से युद्ध चला करा। लेकिन दुर्योधन कहने लगा कि प्रभु इसको मारना मेरे वश में नहीं है, ये मुझसे मरने वाला नहीं। इतने में भगवान ने कहा मैं इंतजाम कर दूंगा, तू चिंता न कर। अगले दिन जब युद्ध होने लगा तो भगवान श्री कृष्ण ने एक तिनका लिया और उस तिनके को चीरा, बीच में से चीर करके फेंक दिया। भीम समझ गया, उसने एक अपना पैर जरासंध के पैर पर रखा और दूसरे हाथ से दूसरा पैर पकड़ा और चीर दिया उसके शरीर को और फेंक दिया। लेकिन ये क्या, वो पुनः वापस जुड़ गया और फिर से उठ करके लड़ने लगा। भीम अब निराश हो चुका था। प्रभु ये जिनको भी भेंट करना है वो आरती के बाद करेंगे, कथा के दौरान कोई भेंट नहीं करेंगे। ये जो वस्त्र आदि जो भी कथा की पूर्णावती की भेंट जो भी लाए हैं वे कथा के बाद आरती के बाद पहले यजमान लोग भेंट करेंगे, उसके बाद में अन्य सभी भक्तगण भेंट कर पाएंगे। कथा के बीच में उठ करके इस तरह से भेंट करनी नहीं है। बोली वृंदावन बिहारी लाल की। जब जरासंध मारा नहीं, फिर से जुड़ करके फिर युद्ध करने लगा, तब भगवान ने फिर से एक तिनका लिया और अब की बार चीर करके उसे विपरीत साइड में फेंका। जैसे ही विपरीत साइड में फेंका तो अब वो जुड़ नहीं पाया और जरासंध का सारा क्लेश कट चुका था और 20,000 राजाओं को मुक्त करवा करके उन्हें हजामत आदि स्नान संध्या आदि से पवित्र किया गया और उन्हें छोड़ दिया और उन लोगों ने भगवान की बड़ी स्तुति की और इस प्रकार भगवान ने उन राजाओं का बंधन मुक्त करवाया। जो इस जरासंध की कैद से मुक्त हुए राजाओं की कथा श्रवण करेगा उसकी जरासंध की ये बंधन, ये शरीर का बंधन, ये जन्म मृत्यु का बंधन, ये आयु का बंधन सब कट जाएगा। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। इस प्रकार राजा युधिष्ठिर के राजसूय यज्ञ में अब कोई बाधा न रही थी और राजयुग्य सूय यज्ञ से पहले अग्र पूजा के लिए भगवान श्री कृष्ण का नाम ही सबने मनोनीत किया था, भगवान की ही अग्र पूजा होनी थी। लेकिन और किसी को कष्ट न था, लेकिन शिशुपाल तरह तरह की बकवाद कर रहा था, अरे ये ग्वाले ही बच गए क्या, अब कोई राजे महाराजे नहीं रहे क्या, अब कोई चक्रवर्ती सम्राट नहीं रहा क्या जो इन ग्वालों को अग्र पूजा के लिए लाया जा रहा है। अरे अभी तो बहुत सारे चक्रवर्ती सम्राट है और वो इस तरह की बकवाद करता रहा, इस तरह की गालियां देता रहा और भगवान उसे गिनाते रहे। 99 अपराध हो गए हैं शिशुपाल सावधान, लेकिन वो सावधान नहीं हुआ और उसने कहा कि न तो इसके बाप का पता है न इसकी माँ का पता है, पता नहीं कहाँ से तो पैदा हुआ है और कहाँ पला है, और ऐसे व्यक्ति को अग्र पूजा के लिए तुम तैयार कर रहे हो। शिशुपाल अब तेरी 100 गलतियां पूरी हो गई है। और भगवान ने सुदर्शन को याद किया, सुदर्शन अंगुली में आया और जैसे ही छोड़ा शिशुपाल का सिर धड़ से अलग हो गया। बोलिए कृष्ण चंद्र भगवान की। सौ गलतियां तक माफ की भगवान ने, लेकिन 101वीं गलती तब भी माफ नहीं होती है। इसलिए हमें अपने अपराधों को नियंत्रण में रखना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण इस प्रकार अग्र पूजित होते हैं और अब जो वो भवन बनाया गया था मय दानव ने, वो बड़ा विचित्र भवन था। सूखा लग रहा है तो हो सकता है वहां पानी हो, और जहां पानी बहता हुआ दिख रहा है वहां सूखा हो, इस तरह का मायावी भवन था। दुर्योधन उसी में से गुजर रहा था और
पानी बहता हुआ देख करके उसने धोती उठा ली अपनी कि कहीं धोती गीली ना हो जाए, और वो वहां से गुजरा तो वहां तो पानी नहीं था। इतने में फिर आगे भी पानी बहते हुए नजर आया, उसने पानी बहते हुए नजर आया तो दुर्योधन ने कहा ये तो ऐसे ही है, तो वो उसमें कूद गया और वो भीग गया पूरा। भीगते ही झरोके में से द्रौपदी देख रही थी, उसने कहा कि अंधे का पुत्र अंधा ही होता है, अंधे का पुत्र अंधा ही होता है। और ये बात दुर्योधन को इतनी अखरी। और दूसरी बात, भगवान श्री कृष्ण ने दुर्योधन को ही सारे भंडार का मालिक बना दिया था, क्योंकि दुर्योधन उनकी उन्नति से बड़ा जल रहा था। हमने तो इन्हें टूटा फूटा उबड़ खाबड़ जमीन खांडव बन दिया था, और ये इतना भव्य महल कहां से बन गया, कैसे बन गया, उसे पचाए नहीं पच रहा था। और राजसूय यज्ञ का ये वैभव कहां से आ गया, ये उन्हें पच नहीं रहा था दुर्योधन को। और ऊपर से द्रौपदी ने अंधे का पुत्र अंधा कह दिया, अब तो वो अग्नि में घी पड़ गया था और यहाँ महाभारत का बीज पड़ गया था। इसी बात का बदला लेने के लिए द्रौपदी का चीरहरण हुआ था। और भगवान श्री कृष्ण ने कभी अपनी अंगुली कट गई होंगी और उसको चुकाने के लिए द्रौपदी ने अपनी साड़ी से कुछ कपड़ा फाड़ करके और भगवान के पट्टी बांधी थी, उस पट्टी की कीमत भगवान ने हजारों साड़ियों से चुकाई, और इस प्रकार से द्रौपदी की लाज हुई। ध्रुपद सुता दुष्टन ने घेरी, ध्रुपद सुता दुष्टन ने घेरी, आए प्रभु करी नहीं देरी, आए प्रभु करी नहीं देरी। ए तुरत लगाई, तुरत लगाई चीर की ढेरी, तुरत लगाई चीर की ढेरी, तुरत लगाई चीर की ढेरी, तुरत लगाई चीर की ढेरी। द्रौपदी करुणा करी घनेरी, द्रौपदी करुणा करी घनेरी, वस्त्र रूप भगवान, वस्त्र रूप भगवान भज मन सी राधे, वस्त्र रूप भगवान भज मन सी राधे, सी राधे नारायण दीन दयाल भज मन सी राधे, नारायण दीन दयाल भज मन सी राधे, सी राधे घनश्याम राधे, राधे घनश्याम राधे, ओ सी राधे घनश्याम राधे, सी राधे घनश्याम राधे, सी राधे नारायण दीन दया भज मन सी राधे, नारायण दीन हरि गो भज मन सी राधे, सी राधे बोली वृंदावन बिहारी लाल की, राधे गोपाल भज मन श्री राधे, श्री राधे गोपाल राधे, श्री राधे घनश्याम राधे, श्री राधे घनश्याम राधे, ओ श्री राधे घनश्याम राधे, नारायण दीन दयाल जय हो भज मन श्री
राधे गोपाल भज मन श्री राधे हरि वो गज और ग्राह लड़े जल भीतर और ग्राह लड़े जल भीतर गज और ग्राह लड़े जल भीतर गज और ग्राह लड़े जल भीतर गज की टेर सुनी मेरे नटवर गज की टेर सुनी मेरे नटवर गज की टेर सुनी मेरे नटवर भक्तन के प्रतिपाल भक्तन भक्तन के प्रतिपाल भज मन श्री राधे भक्तन के प्रतिपाल भज मन श्री राधे नारायण दीन दयाल भज मन श्री राधे राधे घनश्याम राधे राधे घनश्याम श्री राधे घनश्याम राधे राधे घनश्याम श्री राधे नारायण पदरी विशाल भज मन श्री राधे भज मन श्री राधे ओ रट मन श्री राधे ओ भज मन श्री राधे ओ भज मन श्री राधे बोली वृंदावन बिहारी लाल की। थोड़ा आगे सरक के बैठ जाएं, पीछे स्थान नहीं रहा है, थोड़ा आगे सरक के बैठ जाएं, सभी को स्थान मिले बैठने के लिए, स्थान के अभाव में कोई निराश होकर न जाए, ऐसा हमारा सभी का प्रयास रहे। राजा परीक्षित कहने लगे, भगवन यानी चान्यानी मुकुंद श्यमहात्मन वीर्यान्यनंत वीर्यस्य श्रोतुमिच्छामि हे प्रभो राजा परीक्षित ने कहा कि हे प्रभो अनंत शक्ति संपन्न महापुरुष श्री कृष्ण भगवान ने और भी प्रभाव सूचक अन्य कर्म किए होंगे। हे प्रभो क्या ऐसी भी कोई लीला है जिस पर भगवान की कृपा प्रभावित होती हो, भगवान की कृपा की हो, ऐसी कोई कथा हो वो मुझे सुनाइए प्रभु। सूत जी ने कहा कि हे ऋषियों, राजा परीक्षित के इस प्रकार पूछने पर वेद व्यास जी के सुपुत्र सुखदेव जी महाराज कहने लगे, और जब कृपा की कथा कहने के पहले व्यास भगवान का मन भगवान श्री कृष्ण के चरणार विंदों में रम गया और कहने लगे, सुखदेव जी कहने लगे, कृष्णस्यासीत् सखा कश्चित् ब्राह्मणो ब्रह्मवीत्तम जितेन्द्रिया
सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि हे राजन, ब्रह्म वेत्ताओं में श्रेष्ठ, विषयों से विरक्त, जितेंद्रिय और प्रसन्न चित्त रहने वाले एक ब्राह्मण थे जो भगवान श्री कृष्ण के प्रिय मित्र थे। वे गृहस्थ आश्रमी थे, बिना मांगे प्रारब्धवश जो कुछ मिल जाता उसी में संतुष्ट रहते थे। उनके वस्त्र फटे पुराने और मलिन रहते थे और उनकी पत्नी भी उन्हीं की तरह भूख के मारे बड़ी व्याकुल दुर्बल रहा करती थी, दरिद्रा व्याकुल चित्ता म्लान मुखी पतिव्रता वो ब्राह्मणी एक दिन भय से कांपती हुई आई और पति के वहां आकर के बोलती है, हे प्रभु, ननो ब्रह्मन् भगवत सखा साक्षात् श्रिया पति ब्रह्मण्याश्च शरण्याश्च भगवान् सात्वकर्षभ। सुदामा जी के पास आकर के वो ब्राह्मणी बोलती है कि हे प्रभु, मैंने सुना है कि साक्षात श्री प्रति भगवान श्री कृष्ण आपके मित्र हैं। सुदामा ने कहा, हाँ बात तो तुम्हारी सही है, मेरे मित्र हैं, लेकिन मैं वहां जाऊंगा नहीं, क्योंकि मित्र को मित्र उसे कहते हैं जिसे कुछ दिया जाए। मित्र से पाने की आशा यदि कोई रखता है तो वो मित्र नहीं है, प्रेम वही है जिसमें दिया जाए। अगर लेने की आशा से दिया जाए तो वो मित्र नहीं है, वो व्यापार हो जाता है। इसलिए मैं अपने मित्र के पास कुछ मांगने की आशा से तो नहीं जाऊंगा। तो वो कहती है ब्राह्मणी, हे पिया, मैं मांगने के लिए तो नहीं कह रही, फिर भी आप जाइए, हमारी दरिद्रता पर कुछ कृपा करके, कुछ करुणा करके हमारा कल्याण करेंगे, आप पधारिए। सुदामा जी ने कहा, नहीं मैं नहीं जाऊंगा। सुदामा पत्नी ने कहा, प्रभु जाओ। सुदामा जी कह रहे हैं नहीं जाऊंगा, पत्नी कह रही है जाओ, और इसी जद्दोजहद में दोनों लगे हुए हैं। जाओ जी जाओ स्वामी द्वारका के नाथ के, जाओ जी जाओ स्वामी द्वारका के नाथ के, ओ जाओ जी जाओ स्वामी द्वारका के नाथ के, जाओ जी जाओ स्वामी द्वारका के नाथ के, ओ संकट से पार लगा देंगे, हाँ संकट से पार लगा देंगे, जाओ जी जाओ स्वामी द्वारका के नाथ के, 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 संकट से पार लगा देंगे, हाँ संकट से पार लगा देंगे, जाओ जी जाओ स्वामी द्वारका के नाथ के, जाओ जी जाओ स्वामी द्वारका के नाथ के। Thank you.
पट दरिद्रता से धरणी पे झूमते, पट दरिद्रता से धरणी पे झूमते, पट दरिद्रता से धरणी पे घूमते, पट दरिद्रता से धरणी पे घूमते, हरि गुण गान में ही मस्त होके झूमते, हरि गुण गान में ही मस्त होके झूमते, कर्मों के लेख मिटा देंगे हाँ, कर्मों के लेख मिटा देंगे, जाओ जी जाओ स्वामी द्वारका के नाथ के, जाओ जी जाओ स्वामी द्वारका के नाथ के, ओ संकट से पार लगा देंगे हाँ, संकट से पार लगा देंगे, जाओ जी जाओ स्वामी द्वारका के नाथ के, स्वामी आप निपट दरिद्रता से धरणी पर घूमते हैं, हमेशा हरि गुण गान में ही मस्त रहते हैं, हे प्रभु आप द्वारकाधीश के यहाँ तो जाओ, वे हमारे कष्ट मिटा देंगे, हमारे क्लेश मिटा देंगे, हे प्रभु आप जाइए। जब ब्राह्मणी इस प्रकार कहती है तो फिर ब्राह्मण देवता बोलते हैं, सुदामा जी बोलते हैं कि हे ब्राह्मणी तू मान जा, वसुंधरा तू ना कर जोरी, तू ना कर जोरी, वसुंधरा तू ना कर जोरी, वसुंधरा तू ना कर जोरी, कान्हा का तो काम है चोरी, काना का है काम तो चोरी, काना का तो काम है चोरी, काना का तो काम है चोरी, माखन चोर क्या दे देंगे हाँ, माखन चोर क्या दे देंगे, जाओ जी जाओ स्वामी द्वारका के नाथ के, जाओ जी जाओ स्वामी द्वारका के नाथ के, संकट से पार लगा देंगे हाँ, संकट से पार लगा देंगे, जाओ जी जाओ स्वामी द्वारका के नाथ के, जाओ जी। जय हो। बोलिए द्वारकाधीश भगवान की, हे वसुंधरा तू चोरी मत कर, तू जबरदस्ती मत कर,
अरे वो है क्या आखिर तो माखन चोर है, जो खुद ही माखन चोर है वो भला मुझे क्या दे देगा, इसलिए तू चोर के लिए चोरी मत कर। इस प्रकार से जब कहा तो सुदामा जी की पत्नी ने ऐसी बात कह दी कि सुदामा जी को भी सोचने पर विवश होना पड़ा कि बात तो सही है। क्या कहा सुदामा जी की पत्नी ने, बाल सका है प्रिय कृष्ण तुम्हारे, 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 जाओ पिया जी फिरे भाग्य हमारे, जाओ पिया जी फिरे भाग्य हमारे, अन्न धन खूब लुटा देंगे हाँ, अन्न धन खूब लुटा देंगे, जाओ जी जाओ स्वामी द्वारका के नाथ के, जाओ जी जाओ स्वामी द्वारका के नाथ के, संकट से पार लगा देंगे हाँ, संकट से पार लगा देंगे, जाओ जी जाओ स्वामी द्वारका के नाथ के, जाओ जी जाओ स्वामी द्वारका के नाथ के। बोलिए द्वारकाधीश भगवान की, प्रेम से कहिए श्री राधे, सुदामा जी ने जब सुना कि हाँ वो मेरे मित्र हैं बचपन के और कुछ न सही, कुछ मुझे मांगना नहीं है लेकिन मेरे बचपन के मित्र से मिलना तो हो जाएगा, इसी आशा में इसी विश्वास में और सुदामा जी ध्यानस्थ भगवान श्री कृष्ण के दर्शन करने लगे और कहने लगे, कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेव, सुन ब्राह्मणी राखूं तेरा जियरा, सुन ब्राह्मणी राखूं तेरा जियरा, हे ब्राह्मणी सुन मैं तेरा वचन रख रहा हूँ, सुन ब्राह्मणी राखूं तेरा जियरा, सुन ब्राह्मणी राखूं तेरा जियरा, थोड़ा सा उपहार दे चिवरा, थोड़ा सा उपहार दो चिवरा, तंडुल भोग लगा लेंगे हाँ, तंदुल भोग लगा देंगे, जाओ जी जाओ स्वामी द्वारका के नाथ के, जाओ जी जाओ स्वामी द्वारका के नाथ के, ओ जाओ जी जाओ स्वामी द्वारका के नाथ के, जाओ जी जाओ स्वामी द्वारका के नाथ के।
आपके। हे ब्राह्मणी, मैं तेरा जिया रख रहा हूँ, तेरे कहने पर मैं जा रहा हूँ, लेकिन थोड़ा सा उपहार दो, क्योंकि किसी के भी यहाँ जाते हैं तो भेंट लेकर के जाते हैं, खाली हाथ जाने का कोई विधान नहीं है। कहीं भी जाएं, कुछ न कुछ भेंट लेकर के जाएं, कहीं भी भगवान के यहाँ भी जाएं तो और कुछ नहीं तो मुट्ठी भर अनाज ही सही, लेकिन कुछ न कुछ लेकर के जाएं। कथा कीर्तन में भी कहीं जाएं तो कुछ न कुछ भेंट लेकर के जाएं, बिना भेंट जाने का कोई विधान नहीं है। इसलिए ब्राह्मणी देख, घर में कुछ होगा, कुछ तो लेकर के आ। ब्राह्मणी दौड़ी, अपने घर के सारे बर्तन भांडे उलट पुलट कर दिए, लेकिन एक कोई दाना न मिला। तब ब्राह्मणी बाहर गई और पांच घरों से उगा करके और तीन मुट्ठी चावल लेकर के आई और अपने अंगोचे में लेने लगे, अस्ताड़े में लेने लगे सुदामा जी, तो वो भी फट रहा था। दो चार तय करके और उस चावल को बांधा और लाठी पे लटका लिया और चल दिए। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा स्मरण करते हुए सुदामा जी चलते गए चलते गए। रात्रि जहाँ हो गई, जहाँ रात्रि हुई वहाँ वो जो साथ में भोजन लाए थे वो भोजन करके और वहीं सो गए। सवेरे उठे तो उनको वो स्थान ही समझ में नहीं आया, सोए तो कहाँ थे, जहाँ पानी की बूंद न थी केवल एक कुई थी, जहाँ से डोर लोटा रहता था, डोर लोटे से पानी खींच करके पिया था। और अब देखते हैं कि सामने अथाह समुद्र लहरा रहा है, समुद्र लहरा रहा है, और उस समुद्र को देख करके कहते हैं मैं कहाँ आ गया। फिर पीछे निगाह डाली तो एक बड़ी भारी प्राचीर दीवार नजर आई। उस दीवार के सहारे सहारे गए तो एक दरवाजा नजर आया। उस दरवाजे से अंदर गए तो उस दरवाजे के अंदर एक नगर निकला और उस नगर में सारे के सारे घर ही महलों की तरह बने हुए थे। सारे घर ही महल की तरह बने हुए थे और सुदामा जी वहां यूं देखे यूं देखे, ओहो कहां आ गया मैं, किस जादुई नगरी में आ गया। और सुदामा जी किसी से पूछते हैं, अरे भैया तुम क्या मेरे कृष्ण का घर जानते हो? तो वो जिससे पूछते वो सिर से लेकर के पैर तक उनको देखता, ये श्री द्वारकाधीश को कृष्ण कहने वाला कौन आ गया, और कोई पागल ही दिखता है, ये कह करके आगे चले जाते। फिर किसी से पूछते, अरे भैया आपने क्या मेरे कृष्ण को देखा है? इतने में वो सब घूरते, किसी ने कह भी दिया कि अरे कृष्ण किसको बोल रहा है, वो द्वारकाधीश है, द्वारकाधीश। सुदामा जी कहता है, भैया वो मेरे बचपन के मित्र हैं, द्वारकाधीश आपके होंगे, मेरे लिए तो अब भी वो कृष्ण ही है। वो उसका मकान कहाँ है? कोई सज्जन व्यक्ति थे, उन्होंने बता दिया कि बाबा ये जो रास्ता जा रहा है बड़ा वाला रास्ता, ये राजपथ है और ये सीधे द्वारकाधीश के महलों पर ही जाकर के पूर्ण होगा, ये जहाँ समाप्त हो वही समझ लेना भगवान का महल है। और सुदामा जी वहां पहुंच गए और वहां पहुंच करके जैसे ही अंदर जाने लगे द्वारपालों ने भाले लगा दिए, हे कहाँ जा रहा है? सुदामा जी ने कहा कि अरे भैया मुझे अपने कृष्ण से मिलना है। बोले कृष्ण किससे कहता है? द्वारकाधीश है, द्वारकाधीश। अरे भैया उससे जाकर के कहो कि उसका मित्र सुदामा आया है। और द्वारपाल ने